तो आप जब आएंगे ना तो यहाँ पे ऐसा आपको बोर्ड दिखेगा, करमरकर शिल्पालय, बहुत छोटा सा बोर्ड है, इसको स्पीड में मत जाइए वरना आप मिस कर देंगे। ससावने बीच से हार्डली 5 मिनट्स या हाँ हार्डली 5 मिनट्स है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, और ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है आपको यहाँ पर आना चाहिए। ये म्यूज़ियम को एंट्री फीस नहीं है, फ्री है एकदम, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं इसको, बहुत सुंदर है, बहुत, ठीक है, यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा है। ये देखिए घुसते से यहाँ से मैं जस्ट एंटर किया, यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखे हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे कुछ शरबत वरबत भी है। इधर यहाँ से ऊपर जाना है आपको, चलिए तो पहले एक बार नीचे का देख लेते हैं, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, गला देखिए ऐसा लग रहा है इंसान जिंदा है। ओहो हो, ये भैंस को देखिए ऐसा लग रहा है अभी उठ के आ जाएगा, ये देखिए। चलिए ऊपर चलते हैं, यहाँ से ऊपर जाना है। ओहो हो, मुझे लगता है यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस जगह के साथ थोड़ा इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि ये देखने लायक जगह है। ये देखिए ये म्यूज़ियम को रेटिंग हाई करना चाहिए, इस म्यूज़ियम का, यहाँ पे सबका नाम भी लिखा है कौन कौन है। ये है केरकर साहब, उसके बाद आते हैं दीवान बहादुर साहेब, विनुपंत निमकर साहेब, ये एक मस्ट विजिट। आप अगर आ रहे हैं ससावने बीच तो इस जगह को मिस मत कीजिए। ओहो हो, ये अंदर घुसा मैं, ये तो चमत्कार जगह है, चमत्कार, मुझे लगता है ये बहुत ही अंडररेटेड है। ये बेसिकली एक ऐसा जगह है जो मस्ट विजिट में होना ही चाहिए, जो लोग ससावने मांडवे ये सब देखने आ रहे हैं, अद्भुत है ये जगह। This should be one of the major tourist attraction places. बहुत ही सुंदर तरीके से शिल्पकारी किया है। This is beautiful. हर एक कोने में रखा हुआ है, इस तरफ भी है शायद कुछ, देखते हैं जरा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहीं पर। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यू मस्ट कम ओवर हियर, इतना सुंदर जो कलाकृति है आपको देखने को मिलेगा नहीं, जस्ट ब्यूटिफुल, जस्ट मैग्निफिशियंट, आपको यहाँ पर आना ही चाहिए। आई मीन अगर आप ससावने बीच आते हैं और यहाँ पर नहीं आते हैं, यू आर द वन हु इज द लूजर।
बहुत सुंदर है यार, मतलब मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। ये जगह को स्टार रेटिंग पता नहीं क्यों नहीं मिला। देखने में मुझे लगता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि इस जगह को एक प्रायोरिटी मिले। सुंदर जगह है, देखिए देखिए कितना मस्त जगह है। भैंस ऐसा लग रहा है जिंदा है, वो भैंस अभी दौड़ के आएगा। यहाँ पर मुझे कोई भी चार्जेस नहीं लगा। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। यहाँ पे ये जगह घूमना ही चाहिए, बहुत अच्छा जगह है ये। बेटा हाय बोल, इकड़े बग इकड़े हाय। तो एज ऑफ नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम विनायक पांडुरंग करमरकर म्यूजियम ऑफ स्कल्पचर्स। दिस इज ब्यूटिफुल प्लेस। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि अपार बढ़ती रहे। टाटा टेक केयर, सी यू, लव यू गाइस, एंड बाय बाय।